मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। टुडे वी विल कंटिन्यू विद आवर लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, राइटिंग एंड सिटी लाइफ, पेज नंबर 33। वी विल रीड नाउ मोमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज। सिटीज में जो गुड्स हैं, जो सामान है, उसको का मूवमेंट कैसे होता था, उसको एक जगह से दूसरी जगह कैसे लाया जाता था। हाउएवर रिच द फूड रिसोर्सेज ऑफ मेसोपोटामिया, इट्स मिनरल रिसोर्सेज वर फ्यू। यानी मेसोपोटामिया में जो खाद्य संसाधन थे, चाहे कितने ही समृद्ध रहे हों, लेकिन उनके जो मिनरल रिसोर्सेज थे, जो खनिज संसाधन थे, उनका अभाव था। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द साउथ लेट स्टोन्स फॉर टूल्स, सेल्स एंड ज्वेल्स। द वुड ऑफ द इराक, डेट पाम एंड पॉपलर वॉज नॉट गुड इनफ फॉर कार्ट्स व्हील और बोर्ड्स, एंड देयर वॉज नो मेटल फॉर टूल्स, वेसल्स और ऑर्नामेंट्स। यानी जो उसका साउथ एरिया था मेसोपोटामिया का, उसके जो अधिकांश भाग थे, उसमें टूल्स और सील्स यानी मोहरे बनाने के लिए और जो ऑर्नामेंट्स हैं उनको बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। इराक में खजूर यानी डेट पाम और पॉपुलर के पेड़ तो थे, लेकिन उनकी जो लकड़ी थी वो कार्ट्स यानी गाड़ी और गाड़ियों के पहिए, इसके अलावा उसकी नाव वगैरह बोट्स बनाने के लिए अच्छी किस्म की नहीं थी, अच्छे कैटेगरी की नहीं थी वो लकड़ी। इसके अलावा जो उनके वेपन्स थे, औजार थे, टूल्स थे, और जो पॉट थे या गहने बनाने के लिए वहाँ पर कोई मेटल जो था वो उपलब्ध नहीं था। सो वी कैन समराइज दैट द एशियंट मेसोपोटामियाज कुड हैव ट्रेडेड देयर अबंडेंट टेक्सटाइल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फॉर वुड, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, शेल एंड वेरियस स्टोन्स फॉर टर्की एंड इराक और अक्रॉस द गल्फ। यानी इसलिए जो प्राचीन काल के मेसोपोटामिया के जो लोग थे, वो हो सकता है कि लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी या गोल्ड और सिल्वर, सीपी और विभिन्न प्रकार के जो उनके पत्थर थे, वो टर्की और ईरान से या फिर खाड़ी के जो पार के देश थे, गल्फ के, उनके देशों से मंगाते थे, जिसके लिए वे अपना जो टेक्सटाइल था, कपड़ा था और कृषि के जो दूसरे उत्पादन थे, उनके काफ़ी मात्रा में उनको देते थे, यानी उनको एक्सचेंज करते थे उसके सामान के बदले में। तो एक तरह से ये एक्सपोर्टेशन हुआ, एक्सपोर्ट करते थे अपने सामान को। दीज लेटर रीजन हैड मिनरल्स रिसोर्सेज बट मच लेस स्कोप फॉर एग्रीकल्चर। तो इन देशों के पास में जो खनिज संसाधन थे उनकी तो कमी नहीं थी, मगर वहाँ पर खेती करने के लिए बहुत कम गुंजाइश थी, जो कि मेसोपोटामिया में अच्छी खासी थी, वहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छा था। रेगुलर एक्सचेंज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर वाज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन टू इक्विपाइड फॉरेन एक्सपीडिशन एंड डायरेक्ट द एक्सचेंजेस वर इनिशिएटेड बाय द पीपल ऑफ सदर्न मेसोपोटामिया। यानी इन वस्तुओं का जो नियमित रूप से रेगुलरली जो एक्सचेंज होता था, वो तभी पॉसिबल था जबकि इसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, एक संगठन हो, जो कि विदेशी जो अभियान थे उनकी और उनकी निर्देशित कर सके, उनको उसके बीच में व्यापार करने में सक्षम हो। और जो सदर्न मेसोपोटामिया थे, उनके लोगों में ऐसे संगठन स्थापित करने की शुरुआत उन्होंने कर दी थी। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी जो कि इस तरह के एक्सचेंज को एक ढंग से रूप दे सके उनको। बिसाइड्स क्राफ्ट, ट्रेड एंड सर्विसेज, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अर्बन डेवलपमेंट। शिल्प जो क्राफ्ट है, और उसके अलावा ट्रेड यानी व्यापार और सर्विसेज के अलावा, एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़रूरी होता है शहर के या सिटी के डेवलपमेंट के लिए। इट टेक्स टू मच टाइम और टू मच एनिमल फीड टू कैरी ग्रेन और चारकोल इन टू सिटीज ऑन पैक एनिमल्स और बुलक कार्ट्स, द सिटी इकोनॉमी विल नॉट बी वाइबल। यानी जो एनिमल्स हैं जिनकी पीठ पे सामान लाया और ले जाया जाता था, तो
और उसके अलावा बैलगाड़ियों में रखकर शहर सिटीज़ को ग्रेन और यानी अनाज और कोयला चारकोल लाने ले जाने का काम बहुत ही कठिन होता था, और क्योंकि सबसे ज़्यादा उसमें समय भी लगता था और जो एनिमल्स काम में आते थे वो उनको फीड कराना भी ज़रूरी होता था, उसके लिए अलग से खर्चा लगता था, अलग से उसके लिए खर्च होता था। द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ एवरीवेयर ओवर वाटर, यानी शहर की अर्थव्यवस्था को जो सबसे कम सस्ता जो मोड था, सबसे कम पैसे लगते थे जिसमें, और उसकी वो था सब सभी जगह मिलने वाला वाटर का जो वाटर वे जो वे था यानी रिवर के थ्रू था, वो हर जगह पॉसिबल था लाना ले जाना उसके थ्रू सामान को। रिवर बोट्स और बार्जेस लोडेड विद सेक्स ऑफ ग्रेन आर प्रोपेल्ड बाय द करंट ऑफ द रिवर एंड और विंड, बट व्हेन एनिमल ट्रांसपोर्ट गुड्स दे नीड टू बी फीड फेड। तो सबसे सस्ता जो उनका परिवहन का या ट्रांसपोर्टेशन का सोर्स था वो सबसे सस्ता यही था कि पानी के थ्रू यानी जल के थ्रू ही हो सकता था, क्योंकि जो अनाज था उसके जो सेक्स थे यानी जो बोरे थे उससे लदी हुई नावें और बार्जेस जो थे वो नदी की धाराओं की वजह से, नदी की नदियाँ थी उनकी वजह से, और उसके हवाओं के जो हवा का डायरेक्शन होता था उसी से चलते थे, जिससे कि कोई खर्चा भी नहीं लगता था उनका। जबकि जो एनिमल्स के थ्रू यानी जानवरों के थ्रू जो सामान को लाया ले जाया जाता था उसमें उन्हें चारा खिलाना पड़ता था, फीड कराना पड़ता था उनको। द कैनल्स एंड नेचुरल चैनल्स ऑफ एशियन मेसोपोटामिया वर इनफैक्ट रूट ऑफ गुड ट्रांसपोर्ट बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल सेटलमेंट्स, एंड इन द अकाउंट ऑफ द सिटी ऑफ मारी लेटर इन द चैप्टर द इम्पोर्टेंस ऑफ द यूफ्रेटिस एज अ वर्ल्ड रूट विल बिकम क्लियर। तो इसी आगे के जो चैप्टर्स हैं उनमें मारी जो एक सिटी थी वहाँ की मेसोपोटामिया की उसका डिटेल दी हुई, उसमें पढ़ेंगे कि जो फरात नदी थी, जो यूफ्रेटिस नदी थी, वो उन दिनों विश्व के व्यापार के लिए एक रूट बन गया था, उसके कितनी इंपॉर्टेंट हो गई थी वो उसकी पूरे वर्ल्ड से इंट्रैक्शन के लिए, ट्रेड के लिए, तो उसने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था यूफ्रेटिस ने। तो आगे की जो अध्याय है उसमें हम पढ़ेंगे कि उसे जो फरात नदी है उन दिनों व्यापार के लिए और वर्ल्ड ट्रेड के लिए कितनी अधिक इम्पोर्टेंट थी। नेक्स्ट, द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, लेखन कला का विकास। ऑल सोसाइटीज़ हैव लैंग्वेज इन विच सर्टेन स्पोकन साउंड कन्वे सर्टेन मीनिंग, यानी सभी समाजों में अपनी एक सर्टेन लैंग्वेज होती है जो कि जिसमें सर्टेन स्पोकन साउंड होते हैं जो मैसेज को कन्वे करते हैं, अपनी जो भी बात होती है उसको दूसरों को पहुँचाने के लिए सर्टेन साउंड का सर्टेन मीनिंग होता है इस लैंग्वेज में। दिस इज़ वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि मौखिक कम्युनिकेशन है, भाव अभिव्यक्ति है, अपने विचारों को प्रकट करने का साधन है। राइटिंग टू इज़ वर्बल कम्युनिकेशन बट इन अ डिफरेंट वे, राइटिंग भी एक तरह का वर्बल कम्युनिकेशन है लेकिन यह दूसरे तरह का है, एक दूसरे तरीके से बताने का कम्युनिकेशन वे है ये। When we talk about writing or a script, we meant that spoken sounds are represented in visible sign. यानी जब हम बात करते हैं लेखन कला की या स्क्रिप्ट की यानी लिपि की, तो इसका हमारा मतलब होता है कि स्पोकन साउंड जो हम बोलते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करना विजिबल साइन से, कुछ सिंबल से, उस जो भी हम बोल रहे हैं उसे रिप्रेजेंट करना। द फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट्स रिटन अराउंड 3200 BCE कंटेंट पिक्चर लाइक साइन एंड नंबर्स। तो सबसे पहले जो टैबलेट मिला है वहाँ पर जिस पर कुछ लिखा हुआ है वो मिला है सबसे पुराना 3200 ईस्वी पूर्व का, यानी 3200 वर्ष पहले का टैबलेट है ये, और उस पर कुछ चित्र बने हुए हैं और कुछ नंबर जैसे साइन बने हुए हैं। These were about 5,000 list of oxen, fish, bread loaves, etc. List of goods that were brought into or distributed from the temple of Uruk, a city in the south.
यानी वहाँ पर 5,000 से ज़्यादा सामान की सॉरी नामों की सूचियाँ मिली हैं, जिसमें ऑक्सन यानी बैल, फिश, मछलियाँ और ब्रेड लोव्स हैं। और ये वहाँ के जो साउथ में एक सिटी है उरूग, वहाँ के मंदिरों में आने वाला सामान और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटेड होने वाले सामान की लिस्ट को दिखाता है। क्लियरली राइटिंग बिगन व्हेन सोसाइटी नीडेड टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शंस बिकॉज इन सिटी लाइफ ट्रांजेक्शन अक्योर्ड एट डिफरेंट टाइम्स एंड इन्वॉल्व मैनी पीपल एंड अ वेराइटी ऑफ गुड्स। यानी क्लियरली जब लेखन काम है, जो राइटिंग वर्क है, वो शुरू हुआ था जब समाज को या सोसाइटी को अपने जो ट्रांजेक्शन होता था, लेन देन होता था, उसका स्थायी हिसाब रखने के लिए, उसको जो हिसाब था उसको आगे भी काम में आ सके उसको रखने की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि जो सिटी लाइफ है उसमें जो ट्रांजेक्शन होता था उसको अलग अलग समय पर होता था और करने वाले लोग भी अलग अलग होते थे और सामान भी कई तरह का होता था, गुड्स भी वैरायटी होती थी अलग अलग सामान की, इसीलिए उसको लिख कर वे लोग रखते थे। मेसोपोटामियंस रोट ऑन टैबलेट ऑफ क्ले, मेसोपोटामियन क्ले की टैबलेट पर लिखा करते थे। अ स्क्रैबल वुड वेट क्ले एंड पुट इट इन टू अ साइज ही कुड होल्ड कम्फर्टेबली इन वन हैंड। जो लिपिक होता था, स्क्रैबल होता था, वो मिट्टी को, चिकनी मिट्टी को गीला करके और उसको इस तरह से गूंथ कर ऐसा साइज बना लिया करता था उसका, जिसे वो आराम से एक हाथ में पकड़ सके। ही वुड केयरफुली स्मूदन दिस इट सरफेस, और फिर उसको, उसका जो सरफेस होता था उसको चिकना करता था, बिल्कुल स्मूथ कर लेता था उसे। विथ द शार्प एंड ऑफ अ रीड कट ऑब्लिकली ही वुड प्रेस वेज शेप साइन ऑन द स्मूदन सरफेस विथ वाइल इट वॉज स्टिल मॉइस्ट। जब वो गीली होती थी टैबलेट, उसी समय वह एक रीड यानी एक तीली जैसी शेप से उसकी जो भी उसको लिखना होता था, शेप बनाना होता था, उससे प्रेस करके वो उस गीली मिट्टी के टैबलेट पर बनाता था। वंस ड्राइड इन द सन द क्ले वुड हार्डर हार्ड एंड टैबलेट्स वुड बी ऑलमोस्ट एज इंडेस्ट्रक्टिबल एज पोइट्री। जब वो एक बार सूख जाती टैबलेट, तो वो क्ले सूखने के बाद इतना हार्डर हो जाता था जैसे पॉटरी होती है, जैसे बर्तन होते हैं मिट्टी के, उस तरह से धूप में सूखने के बाद वो इतना हार्ड हो जाता था। व्हेन अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ से द डिलीवरी ऑफ पीसेस ऑफ मेटल हैड सीज टू बी रिलेवेंट द टैबलेट वाज थ्रोन अवे। जब ये उन पर लिखी हुई जो भी हिसाब है या जो भी जिस बारे में लिखा हुआ है वो कंप्लीट हो जाता था, तो उसे उस हिसाब को आगे काम में नहीं आना होता था उसे, तो वो पट्टिका को या जो टैबलेट है उसे फेंक दिया जाता था। वंस द सरफेस ड्राइड साइंस कुड नॉट बी प्रेस्ड ऑन टू अ टैबलेट, सो ईच ट्रांसफर ट्रांजेक्शंस हाउएवर माइनर रिक्वायर्ड अ सेपरेट रिटन टैबलेट। तो जब एक बार टैबलेट सूख जाती थी तो उस पर और कुछ भी नहीं लिखा जा सकता था, इसीलिए कोई भी दूसरा ट्रांजेक्शन होता था तो उसमें सेपरेट टैबलेट की ज़रूरत होती थी। दिस इज़ वाई टैबलेट्स अकर बाय द हंड्रेड्स ऑफ मेसोपोटामियन साइट, और इसीलिए इसी का ही कारण है कि जो मेसोपोटामियन साइट्स है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सैकड़ों की संख्या में ये टैबलेट्स इस तरह की मिली हैं। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस वेल्थ ऑफ सोर्स that we know how much more about Mesopotamia when we do about contemporary India। इसीलिए मेसोपोटामिया के जो खुदाई के साइट से वहाँ पर सैकड़ों पट्टिकाएँ मिली, और इसी की वजह से जो सोर्स का जो वेल्थ है, जो संपदा है, उसी के कारण आज हम मौसम मेसोपोटामिया के बारे में इतना कुछ कह सकते हैं। By 2600 BCE or so, the letters become cuneiform एंड द लैंग्वेज वॉज सुमेरियन। जो लगभग 2600 BCE यानी ईसवी पूर्व के आसपास जो लेटर्स थे वो क्यूनिफॉर्म थे, यानी कील से या कुछ तीखी चीज़ से लिखकर उभार उभार कर बनाए गए थे, और जो लैंग्वेज थी वो सुमेरियन थी।
Now, what is cuneiform? Cuneiform is derived from the Latin word cuneus, meaning wedge, and forma meaning shape. Yani cuneiform Latin bhasha ka word hai, jisme cuneus ka matlab hota hai keel aur forma ka matlab hai aakar, yani keel jaisi shape se bane hue, keel se bane hue ek aisa shape jisko read karne ya लैंग्वेज के रूप में उसको काम में लेते थे. तो इस तरह से बनाना क्यूनिफॉर्म कहलाता है, लेटर्स को लिखना. नाउ राइटिंग वाज नाउ यूज्ड नॉट ओनली फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स बट आल्सो फॉर मेकिंग डिक्शनरीज, गिविंग लीगल वैलिडिटी ऑफ लैंड ट्रांजैक्शंस, लैंड ट्रांसफर्स, नरेटिंग द डीड्स ऑफ किंग्स एंड अनाउंसिंग the changes a king had made in the customary laws of the land. तो जो लेखन कला थी, जो राइटिंग थी, उसका यूज़ केवल हिसाब किताब रखने, ट्रांजेक्शन रखने के लिए नहीं होता था, बल्कि डिक्शनरी बनाने के लिए. और जो लैंड ट्रांजेक्शन होते थे, भूमि के हस्तांतरण होते थे, उनको उनके लिए. इसके अलावा जो राजा महाराज जो भी काम करते थे उनके उसका उसके बारे में बताने के लिए, या लीगल डीड्स के बारे में बताने के लिए, और जो लॉज में चेंजेस होते थे उनके बारे में बताने के लिए इस लैंग्वेज का यूज होता था. सुमेरियन द अर्लीस्ट नॉन लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया वाज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड आफ्टर 2400 BCE बाय द अकेडियन लैंग्वेज. तो जो सुमेरियन लैंग्वेज थी 2600 BCE के आसपास, उसको रिप्लेस किया था अकेडियन लैंग्वेज ने अराउंड 2400 BCE. क्यूनिफॉर्म राइटिंग इन द अकेडियन लैंग्वेज कंटिन्यूड इन यूज अंटिल द फर्स्ट सेंचुरी, इट मीन CE, दैट इज फॉर मोर देन 2000 ईयर. यानी जो अकेडियन लैंग्वेज थी उसने रिप्लेस किया था सुमेरियन लैंग्वेज को अराउंड 2400 BCE, और फिर अकेडियन लैंग्वेज थी उसमें क्यूनिफॉर्म फिर भी काम में ली जाने लगा, यानी उसी तरह से लिखने की उसी तरह से लिखा जाने लगा था तब. और इसकी जो फर्स्ट सेंचुरी थी वहाँ तक, मतलब 2000 ईयर तक ये अकेडियन लैंग्वेज और उसके साथ क्यूनिफॉर्म में उसको लिखना चल रहा था तब 2000 सालों तक. हमने पढ़ा कि 2600 के आसपास, 2600 ईस्वी के आसपास, ईस्वी पूर्व में सुमेरियन लैंग्वेज के लिए क्यूनिफॉर्म लैंग्वेज में लिखा जाता था, वर्ड्स में इसमें लिखा जाता था, उसको अकेडियन ने रिप्लेस किया. और अकेडियन जो लैंग्वेज थी उसको ईस्वी सन जो है वहाँ तक 2000 सालों तक इसका प्रयोग होता रहा था.